जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात कर रहा था टेम्परेचर मेजरमेंट की, जिसमें मैंने थर्मोकपल आपको बता दिया था। आज मैं बात करूंगा ऑप्टिकल पायरोमीटर, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर कैसे वर्क करता। आई होप आपने पहला वीडियो मेरा देख लिया होगा थर्मोकपल क्या है और थर्मोकपल कैसे वर्क करता है, उसको मैंने बताया था। आज मैं ऑप्टिकल पायरोमीटर के ऊपर डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करने से पहले वही मेरी दो मोटिवेशनल लाइन कि कोई चीज चैलेंज जब तक नहीं होती है ना लाइफ में कि ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये कर नहीं सकता, ये तो मेरे थोड़ा सा मेरे टफ टास्क है, नहीं वो मेरे लिए हो सकता है, बस यही मुझे साबित करना है। और जब तक वो होगा नहीं तो आप चेंज नहीं होगे। यही इसी लाइन को मैंने अपने वर्डों में लिखना चाहा है, जो चीज आपको चैलेंज करती है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। ये लाइन याद रखना कि चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब तक चैलेंज नहीं लिया है कि इंग्लिश मुझे टफ लगती है, कोई बात नहीं मैथ मुझे टफ लगता है, चैलेंज लो। और जिस दिन तुमने इसको साबित कर दिया, देन यू हैव डेफिनेटली विन द योर रेस। सो वो चेंज हो जाएगा, आपका एटमोसफियर, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। यही चीज मुझे करना है, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये चैलेंज लो, क्यों नहीं हो सकता। यही चैलेंज के साथ मैं अपने टॉपिक पर की तरफ बढ़ता हूं कि ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो मैं सबसे पहले देखता हूं व्हाट इज पायरोमीटर। पायरोमीटर को मैं थ्योरी की तरफ मत देखू क्या लिखा, मैं एक सीधा भाषा में कहूं पायरोमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। कैसा टेम्परेचर मेजरमेंट करता है? ऐसा टेम्परेचर मेजरमेंट करता है जो रेडिएशन के थ्रू, जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है उन ऑब्जेक्ट, जैसे सन, सन को सोलारीमीटर या पारो, तो उनके थ्रू बहुत हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। और मेजरमेंट करने का तरीका कैसा है कि ऑब्जेक्ट को बिना टच किए सरफेस पे, बिना टच किए ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने मान लीजिए सन पे थोड़ी ऑब्जेक्ट को ले जाया जा सकता, सन की किरणें नापनी है कितनी टेम्परेचर से है, तो उसके ऑब्जेक्ट, उसके सरफेस को नापना है कि वो कितना गर्म है। तो बिना टच किए जब हम इस तरह से कोई प्रिंसिपल यूज करते हैं, कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो पायरोमीटर होता है। सो पायरोमीटर इज अ नॉन कॉन्टेक्ट डिवाइस, वही मतलब है कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया जाता, कहीं कॉन्टेक्ट करे तो हमें सेंस करे, नहीं, दैट इज नॉट अ सेंसिंग डिवाइस। It is a non-contacting device. It is also as known as radiation thermometer. Radiation मतलब जो तरंगों से जो निकल रहा है, electromagnetics जो आपके radiations निकल रहे हैं, उनकी object की किरणों को sense करना और without उनके touch करके reading बताना surface की, that is called pyrometer. The main function of this instrument to detect the surface temperature of object by measuring the temperature of electromagnetic radiation generated from the object. जो सन क्या करता है, आपके electromagnetic radiation जो उसके object का temperature sense करना, तो बहुत temperature होता है सन का और उसको वहां तक ना जाके उसको sense कर लेना, ऐसे तरह के जो instrument होते हैं that is called pyrometer. Market में pyrometer दो तरीके के, या तो infrared and optical pyrometer available है। इंफ्रारेड आपने देखा होगा कोरोना काल में सेंस कर रहे थे, मशीन सेंसर लगा हुआ था, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड आपका एक प्रकार का था जिसको। सो ऑप्टिकल पायरोमीटर हमारा सिलेबस में है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। ऑप्टिकल पायरोमीटर कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है? ऑप्टिकल पायरोमीटर एक सिलेंड्रिकली शेप में होता है, दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। इसके इनसाइड पार्ट में क्या होता है, इनसाइड पार्ट में एक आइस पीस जहां से हम लोग देखते हैं, आइस पीस है। इसके बाद एक पावर सोर्स है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ बैटरी, पीएमसी मीटर, रिजोडेट, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा सर्किट है, मिलीमीटर करंट जो आपका प्राइमरी सर्किट फ्लो करंट करता है वो। एक रेफरेंस टेम्परेचर लैंप है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर लैंप याद रखिएगा अभी बताएंगे। एक एब्जॉर्प्शन स्क्रीन है जो इसको एब्जॉर्ब करेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड रेड फिल्टर, और ये हॉट ऑब्जेक्ट जिसकी आपको यूज करना है। तो दिस इज द बेसिकली कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मेन पार्ट होता है रेड फिल्टर, एक फिलामेंट एंड एब्जॉर्प्शन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जर्वर आईस पीस के थ्रू इसको देखेगा। अब मैं बात करूंगा क्या प्रिंसिपल है, बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि देखिए मुझे हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता लगाना है, मुझे हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता लगाना, तो ये क्या करता है, हॉट ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट कितना चमकता है, हॉट ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है उसकी ब्राइटनेस क्या है, उसकी ब्राइटनेस और इस फिलामेंट की ब्राइटनेस, इस फिलामेंट की ब्राइटनेस को जब इक्वल हो जाएंगी, ये वाली हॉट ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस और फिलामेंट की जो ब्राइटनेस है, दोनों जब इक्वल हो जाएंगे हमें टेम्परेचर मिल जाएगा कि इस बॉडी का टेम्परेचर कैसे है। अब यही फंडामेंटल हमें यूज करना है इसके वर्किंग में। तो देखिए कैसे,
द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग ऑप्टिकल पैरोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्राइटनेस कंपेरिजन. बताया कि जो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है और जो अंदर फिलामेंट लगा हुआ है, जो लैंप के अंदर फिलामेंट लगा है, उन दोनों की ब्राइटनेस का कंपेरिजन. जब दोनों ब्राइटनेस बराबर हो जाएंगी उस समय हमें जो ये पीएमसी सर्किट का करंट मिलेगा वही हमें टेम्परेचर दे देगा. सो इन दोनों द ब्राइटनेस प्रोड्यूस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, जो ब्राइटनेस प्रोड्यूस बाय हॉट ऑब्जेक्ट वूज टेम्परेचर, जो हॉट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, इज कंपेयर्ड विद द ब्राइटनेस ऑफ द रेफरेंस टेम्परेचर लैम्प. इन दोनों के ब्राइटनेस को हम कंपेरिजन करेंगे. और द ब्राइटनेस ऑफ द रेफरेंस टेम्परेचर लैम्प इज एडजस्टेड अंटिल इट बिकम इक्वल टू द ब्राइटनेस ऑफ हॉट बॉडी. और जब तक हम इस लैंप के ब्राइटनेस को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक हॉट बॉडी की, हॉट ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस इक्वल नहीं हो जाती. वो कैसे करेंगे अभी वर्किंग में बताएंगे. और द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट. अब फिलामेंट में ब्राइटनेस को जब एडजस्ट किया जाता है, अब ये ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पावर सोर्स लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसके थ्रू इसके फिलामेंट की क्या करते हैं, इसको हम करंट देते हैं उस हिसाब से इसकी हीट, जैसे ही इसकी ब्राइट, तो ये इसके थ्रू हमने करंट भेजा, ये करंट के थ्रू अपनी ब्राइटनेस को मेंटेन करता है, ये खुद में अपने हीट के थ्रू मेंटेन करता है. सो द करंट, the value of current passing through the filament of the lamp when the both the brightness become equal the temperature of the hot body under measurement. हमें जैसे ही वो यहाँ पे मेजर होता है वो हमें मिल जाता है. तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज अ ब्राइटनेस कंपेरिजन बिटवीन द हॉट बॉडी, हॉट ऑब्जेक्ट एंड द फिलामेंट. एंड फिलामेंट की ब्राइटनेस को हम कैसे गवर्न करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, वहां से करंट को फ्लो करते हैं, करंट से इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट किया जाता है जब तक ये ब्राइटनेस इसके बराबर नहीं आ जाता, उसको समझाएंगे. अब देखिए कैसे, अब हमारा क्या होता है, वर्किंग की बात करो फिर मैं इसको इंग्लिश में बताऊंगा चल के. वर्किंग में क्या है, हमारा हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है, ये हॉट ऑब्जेक्ट आपको मालूम है रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन देता है. तो ये रेडिएशन जब देता है तो ये रेडिएशन कहां जाएगा, ये रेडिएशन हमारा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट हमारे एक इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन है ऑब्जेक्टिव, तो हॉट रेडिएशन तो चारों तरफ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, उसके रेडिएशन को सेंटर पे गिराता है, एब्जॉर्प्शन स्क्रीन पे गिराता है, यहां पर उसकी हीट को गिराएगा और यहां पर हीट पे, और इस इसके इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर लैंप क्या होता है, इसकी रेडिएशन को ग्रैप्स करता है, उससे हीट होती है. और रेफरेंस टेम्परेचर लैंप को, रेफरेंस टेम्परेचर लैंप करंट के थ्रू भी क्या करता है, अपना फ्लो करता है. देखिए द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द बॉडी इज मेड टू फॉल ऑन द रेफरेंस टेम्परेचर लैंप फिलामेंट. जो रेडिएशन इमिटेड करता है बॉडी वो कहां गिरती है जाके, रेफरेंस टेम्परेचर लैंप पे गिरती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एब्जॉर्प्शन स्क्रीन के थ्रू. अब क्या होता है, नाउ बाय ऑब्जर्विंग द लैंप फिलामेंट थ्रू द आईज पीस, हम लैंप फिला, अब इसके इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, इस ये भाई इस पे गिर रही है, इसको देख किससे रहे, आईज पीस के द्वारा ऑब्जर्वर देखता है, यहां से देखता है. और उसको मेंटेन कैसे करेगा, इज द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप इज वेरिड अंटिल द ब्राइटनेस ऑफ बोथ रेफरेंस टेम्परेचर लैंप एंड रेडिएशन इमिटेड बाय द हॉट बॉडी बिकम सेम. वहां पे क्या होता है कि ये अब इसको ऑब्जर्व कैसे करेगा, ये यहां से देखेगा, ये उसको जब तक इसके थ्रू रिजोस्टेड मतलब इसे रेजिस्टेंस वेरी कर करके ये इसके इन दोनों के ब्राइटनेस को एक लेवल पर लाएगा. अब ब्राइटनेस को एक लेवल पे लाएगा तो जैसे ही ब्राइटनेस सेम लेवल पे हो जाएगी फिलामेंट हमें दिखना बंद हो जाएगा, फिलामेंट डिसअपीयर हो जाएगा, तो उसी समय हम समझ लेंगे कि हमारा ब्राइटनेस दोनों इक्वल हो गया है. भाई एक लाइन में सीधे में कोई खड़ा हुआ 10 बच्चे तो हमें एक ही बच्चा दिखेगा, 10 बच्चे थोड़ी एक लाइन में दिखेंगे एक ही. तो उसी तरीके क्या होता है, जब हमारी ब्राइटनेस बराबर हो जाती है तो हमें फिलामेंट दिखना बंद हो जाता है. तो then the brightness of the both the filament lamp and hot body become equal, the filament get disappear, filament दिखना बंद हो जाता है. तो filament शुरुआत में तीन तरीके से दिख सकता है. filament जब हमें dark दिखता है इसका मतलब ये है कि filament ठंडा है और hot body बहुत ज्यादा गर्म है.
तो वो क्या है, हॉट बॉडी बहुत गर्म है, वो अपनी रेडिएशन दे रही है और उसको भी एडजस्ट करने की जरूरत है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि फिलामेंट बहुत पतला दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि फिलामेंट क्या है, हॉटर है, फिलामेंट अब हॉट हो चुका है बाहर वाली सरफेस से। और एक समय ये आएगा कि फिलामेंट दिखना बंद हो जाएगा, इसका मतलब है बाहर वाला बॉडी और फिलामेंट के टेम्परेचर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, उसी करंट को हम मेजर कर लेंगे। तो सेंस द